जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन के सभागार में जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक ए के राय के नेतृत्व में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर मंडल के 4 जिले गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज व बस्ती मंडल से 2 जिले संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के संबंधित पार्ट टाइम इनोवेटर शामिल रहे। इस ट्रेनिंग में जन्म व मृत्यु की घटनाओं को मैनुअल की जगह अब मोबाइल ऐप के जरिए डाटा अपलोड किया जाएगा, जो कि सीधे सर्वर के माध्यम से सीधा मुख्यालय को पहुंच जाएगा और मैनुअली कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर सहायक निदेशक दिनेश कुमार यादव, संख्या की अधिकारी अनुराग सिंह सहित पार्ट टाइम इनोवेटर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक ए के राय ने कहा, पार्ट टाइम इनोवेटर के रूप में SRS यूनिट में जो प्रगणक के रूप में काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों का हम बहुत स्वागत करते हैं और इतनी 60 नोटिस पर आप लोग इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित हुए। जैसा कि आप मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे, जो सूचनाएं आप हमें डाक के माध्यम से भेजते थे वो मोबाइल ऐप पर आप डेटा अपलोड करेंगे और हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इससे डेटा क्विक मिलेगा, क्वालिटी के साथ मिलेगा और साथ ही साथ इसमें समय भी हमारा बचेगा और हम उतना जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट इसको भारत सरकार को भेजेंगे और वो डेटा बाकी आम पब्लिक के लिए जारी हो पाएगा। तो हम सभी प्रतिभागियों का बहुत स्वागत करते हैं और हमारी टीम में श्री दिनेश यादव जी असिस्टेंट डायरेक्टर और श्री अनुराग सिंह जी प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे और ये पूरे दिन ट्रेनिंग देंगे और आपका सारा शंका समाधान करेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर कुछ भी आपके मन में इस तरह की शंका समाधान की बात आती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, संकोच ना करें, अपनी बात को हमसे जानकारी लें और हमसे पूछें और हमसे जानें और जान करके ही जाएं। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से इन आंकड़ों को संकलित करेंगे और मोबाइल ऐप के माध्यम से इन आंकड़ों को हमें प्रेषित कर पाएंगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, हम पूरे UP में करते हैं। आज हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं गोरखपुर मंडल के 4 जिले और 2 जिले बस्ती मंडल के, जिसमें संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। ट्रेनिंग में हम लोग पहले ये काम जो मैनुअल हुआ करता था, इसमें जो हमारी रजिस्ट्रेशन यूनिट हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन यूनिट जो सिलेक्ट हुई हैं हर जिलों में, उसमें पार्ट टाइम इनोवेटर के रूप में लोग काम करते हैं, जो बर्थ और डेथ की घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी सूचनाओं को हमें भेजते थे। वह सूचनाएँ हमारी पहले मैनुअल भेजी जाती थी, उसका अब सिस्टम हम लोग बदल करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से कलेक्ट करेंगे। डेटा ये जो भी कलेक्ट करेंगे उसको अपलोड करेंगे, सीधे इन्फॉर्मेशन हमको सर्वर के माध्यम से हमारी उस पर आ जाएगी और इनको कोई भी डाक से या कोई इस तरह की सूचना अब नहीं भेजनी पड़ेगी। उसी का आज ये प्रशिक्षण हम लोगों ने रखा हुआ है और हमारी टीम जो लखनऊ से आई हुई है उसमें दिनेश यादव जी असिस्टेंट डायरेक्टर और अनुराग सिंह जी जो हमारे साथी हैं, ये लोग प्रशिक्षण देंगे और हम इस ट्रेनिंग को आज शुरू कर रहे हैं और आज हम इसको समाप्त करेंगे। 2011 के बाद की हम 2021 में जनगणना करने जा रहे हैं और भारत सरकार ने अभी कोविड के कारण उस पर थोड़ा सा उसको बैन किया था और जब भी सरकार उस पर निर्णय लेगी तो हम लोग आगे इस पर प्रोसेस करेंगे।